5G के दौर में एक नए फोन की एंट्री और आज मैं लेके आया हूँ यहाँ पे Vivo T1 5G की अनबॉक्सिंग्स एंड इसके रिव्यू। तो आज यहाँ पे आपके इसके जो भी रिव्यूज एक्सेट्रा मिलने वाले हैं इसके अनबॉक्सिंग से या फिर इसके स्पेसिफिकेशन रिलेटेड और इसके परफॉर्मेंस रिलेटेड, वो सारे आपको जेन्युइन एंड ऑथेंटिक मिलने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं खुद की परचेसिंग की होती है। सो आपको जो भी इसमें रिव्यूज का है या फिर जो है इसमें जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारे मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रहेंगे और वो जेन्युइन रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि इस प्राइस रेंज में, जैसे कि मैं प्राइस की अभी डिटेल्स नहीं कहूंगा, आगे चल के मैं डिटेल्स दूंगा कि 15,000 के अंदर, बट अगर आप उसमें कार्ड यूज करते हैं तो ऐसे तो इसकी प्राइस जो भी एक्सेट्रा सारे डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा कि अभी के टाइम में Vivo T1 5G जो फोन है विथ 50 MP कैमरा के साथ, यहाँ पे आपको मल्टी लेयर कूलिंग सिस्टम काफी चीज जो है इसमें इनबिल्ट है, जो कि एक आपको बेस्ट परफॉर्मेंस गेमिंग्स में या फिर जो है आपके फोटोग्राफी एक्सेट्रा सारे में है। तो चलिए वीडियो को टेल एंड तक देखिए, अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड इसका मैं आफ्टर यूज भी रिव्यूज लाने वाला हूं एंड इसके बेस्ट फीचर एंड हिडन फीचर सब चीजों के लिए। तो उसको देखने के लिए आप पूरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को मस्ट प्रेस करके रखना, ताकि जब भी हम इस तरह से वीडियोस लाए तो आपको पता चल जाए। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम अपने चैनल पर टेक अनबॉक्सिंग ट्यूटोरियल से वीडियोस रेगुलरली लाते रहते हैं, तो अपडेट के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ये रही डिलीवर्ड बॉक्स, इसको जल्दी से मैं ओपन करता हूँ। इनवॉइस एंड ये रही मेन प्रोडक्ट Vivo T1 5G। ऊपर में इसके स्पेसिफिकेशन एक्सेट्रा के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बहुत कुछ तो ऐसे लिखी हुई है, बट इसको जो है हम अभी आगे चल के और अच्छे डीपली डिटेल्स के साथ मैं आपसे शेयर करूँगा एक एक चीज़ को, हर एक चीज़ को डीपली। तो इसे भी मैं यहाँ से रैपिंग अनबॉक्स करता हूँ। फिलहाल जब तक ये अनबॉक्स होती है मैं आपसे इन शॉर्ट शेयर करूँ कि ये मैंने जो है 4 GB ऑफ रैम एंड 128 GB वाले वेरिएशन के साथ ली थी। तो वैसे तो इसकी प्राइस आपको 15,990 रुपये पड़ती है एंड जब आप इसमें HDFC कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 1,000 रुपीज़ की कैशबैक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 मिलता है, जिसकी ऑक्टा कोर 2.2 GHz की स्पीड्स है एंड जैसे कि कैमरा 50 MP है विथ आपको 16 MP फ्रंट कैमरा सेल्फीज़ के लिए है एंड 5000 mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी है एंड यहाँ पे 6.5 इंचेस की FD+ LCD डिस्प्ले है। मेन बॉक्स में यहाँ पे जो जो कंटेंट्स आपको मिलने वाली है, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ मैनुअल बुक्स एंड गाइडलाइंस एंड एक जो है यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है, जो कि एक अच्छा चीज है। और यहाँ पे है हमारी मेन प्रोडक्ट फोन एंड फोन के साथ जो है यहाँ पे आपको जो अलग से चीजें मिलने वाली है, USB केबल, एडाप्टर जो कि एक फास्ट चार्जर है, इन सब का मैं आपको डीपली डिटेल्स दूंगा। इवन जो है चार्जिंग टेस्ट एंड जो है इसके सारे फीचर्स भी आपसे शेयर करूंगा। सो मेन चीज यहाँ पे ये रैपिंग्स। सो मैंने यहाँ पे जो रैप है इस रैप से इसे हम यहाँ से बाहर कर निकाल लेते हैं एंड काफ़ी स्लिम डिज़ाइन के साथ एक नाइस कलर, जहाँ पे ऊपर में यहाँ पे आपको 5G लिखी हुई, साथ में 3 रियर कैमरा सेटअप, ट्रिपल कैमरा लिखा हुआ एंड 1 फ्लैश और यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग एंड काफ़ी नाइस कलर में मुझे ये जो है प्रोडक्ट लगी। सो मैंने इसे बुक किया था। और इसके जो अदर एक्सेट्रा में चीज़ों की बात करूँ तो राइट साइड में आपको यहाँ पे माउंट पावर बटन मिल जाता है और सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको फेस डिटेक्शंस, इवन जो है आप स्क्रीन लॉक भी सेट कर सकते हैं एंड यहाँ पे साइड माउंटेड पावर बटन पे ही आपको जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन है। सो आप यहाँ पे भी जो है इसको स्कैन कर सकते हैं एंड ये सिक्योरिटी को अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन बटन्स एंड नीचे की तरफ जो है यहाँ पे 3.5 जैक्स, यहाँ पे टाइप सी का चार्जर, ये स्पीकर एंड एक ऑडियो के यहाँ पे आपकी माइक एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर्स मिल जा रही है। सॉरी, यहीं पे सिम इजेक्ट लगाना है यहाँ पे आपको। तो जल्दी से इसे हम बूट कर लेते हैं, तो जल्दी से इसे कर लेते हैं टर्न ऑन एंड इसके सारे सेटअप को। सो फाइनली जो है टोटली मेरा सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे मैं ब्राइटनेस को थोड़ा फुल कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी समझ में आए।
सो अगर इसके मैं टोटल एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो अभी मैंने जो है कुछ समय के लिए यूज़ किया है, इवन जो है इसको चार्ज पे भी मैंने डाला था। सो काफ़ी एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है, काफ़ी जो है इसमें देख सकते हैं रिफ्रेश जो है काफ़ी अच्छा है, स्मूथ परफॉर्मेंस। एंड ऐसे भी कोई भी नई अगर प्रोडक्ट होती है फ़ोन तो वो ऐसे ही एक्सपीरियंस देती है। इसके अलावा मैंने कुछ जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पिक्स लिए हैं, जैसा कि देख सकते हैं इसमें टोटली नेचुरल कलर जो है काफ़ी अच्छे क्लैरिटी के साथ यहाँ पे दिख रही है। एंड ये सब सारे जो इमेजेस हैं ये मैं आपको अभी यहाँ पे तो थोड़े दिख नहीं रहे हैं, वैसे तो मैं आपको यहाँ पे अभी स्लाइड शो में दे दूंगा, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं काफ़ी क्लैरिटी के साथ जो है पिक्स एक्सेट्रा जो है वो सारे आए हैं। इवन जो है मैंने अपने जो फेस अगर आप ब्यूटी फेस एक्सेट्रा यूज़ कर रहे हैं लाइक नॉर्मल, तो इसमें क्लैरिटी देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छा क्लैरिटी के साथ आ रहा है। एंड ये सारे मैं पिक्चर्स आपको यहाँ पे शो कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। सो एकदम जो है वहाँ पे आपको फेस पे जो डार्क स्किन एक्सेट्रा जो भी होते हैं, वैसे तो मेरे फेस पे ज़्यादा है, वो सब सारे इसके क्लीन करके जो है आपको एक अच्छा सा जो गुड लुकिंग जो है पोर्ट्रेट मूड एक्सेट्रा वो सारे जो है यहाँ पे आपको लुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस लगा अभी तक की जो भी मेरी है। एंड जो पिक्चर की मैं अगर इसके डिस्प्ले की बात करूं तो काफ़ी अच्छी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे वीडियो एक्सेट्रा जो है आपको यहाँ पे दिखने को मिल जा रही है। एंड यहाँ पे मैं कुछ आपको यूट्यूब में 4K की वीडियोस यहाँ पे नॉर्मली प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ। एंड इवन जो इसका साउंड क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर यहाँ पे मैं 4K की वीडियो की बात करूँ तो काफ़ी जो है अच्छी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे जो है दिख रही है। एंड कलर्स भी जो है काफ़ी जो है डीप क्लैरिटी के साथ आ रहा है। एंड आपको यहाँ पे मैं एक जो साउंड क्वालिटी के बारे में भी आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ मैं फ्री कॉपीराइट्स म्यूजिक जो है अभी यहाँ पे प्ले करता हूँ। साउंड क्लैरिटी जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे स्पीकर है। सो साउंड की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी लगी है। 50 मेगापिक्सल की यहाँ पे आपको मेन कैमरा मिलती है, +2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल की दो कैमरा जो कि एक डेप्थ सेंसर एंड एक मैक्रो है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा मिल जा रही है। एंड फोटोग्राफी में सच में कहूँ तो मुझे वीवो जो है काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे इसके क्लैरिटी एंड इसके एक्सपीरियंस के साथ। रेनबो फैंटेसी की ये कलर तो आपको दिन में जब इस पे सनलाइट्स पड़ती हैं जैसा कि अभी आपको दिख रहा है तो काफ़ी अच्छा सा जो है इसमें ग्लोजी लुक उभर करके सामने आता है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड 120 हर्ट्स की रिफ्रेश रेट्स के साथ जो है 240 टच सैम्पलिंग रेट्स जो काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिलती है इस फोन के थ्रू। सो ऑल ओवर इन अ ब्रीफ जो है एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा अभी तक के जो है जस्ट अनबॉक्सिंग के टाइम पे। अब मैं इसे रेगुलरली जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ करने के बाद जो इसका एक्सपीरियंस रहता है वो सब सारे मैं आपसे रेगुलरली टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूंगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो उसको लाइक शेयर एंड चैनल पे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके रिलेटेड कुछ भी आपके क्वारीज होते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड इसके रिलेटेड अपकमिंग बहुत से ऐसे वीडियोज आने वाले हैं, सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड।